स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूँ मंजीत सिंह। तो आज मैं स्टार्ट करने जा वाला हूँ आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो आपका, जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट का नाम है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, यानी इस सब्जेक्ट में हमें जो भी पढ़ना है वो सब स्टील स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो सभी स्टील से बनाया जाएगा और उसी स्टील से ही डिज़ाइन करना इस हम सब्जेक्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रक्चरल स्टील होता क्या है। स्ट्रक्चरल स्टील संरचनात्मक इस्पात, उस स्टील के बारे में हम लोग सीखेंगे जिससे यह स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या होता है स्ट्रक्चरल स्टील? देखिए, जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है इसमें जो आपका आयरन होता है, लोहा होता है, वो मेन कंपोनेंट्स होता है। यानी इस स्टील में मेन कंपोनेंट्स क्या होता है? आपका स्टील होता है। मेन घटक जो होता है वो क्या होता है? स्टील यानी लोहा होता है। यह लोहा अन्य पदार्थों के साथ मिला करके, अन्य मटेरियल के साथ मिला करके उसे उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ा दिया जाता है। जिस भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की कमी होती है उसी हिसाब से उसमें इसमें कुछ अन्य मटेरियल्स मिला करके हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप ले लो, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ, उसकी डक्टिलिटी हुई, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हुआ, तो इसमें जिस भी प्रॉपर्टीज की कमी या ज़्यादा हो जाती है उसे हमें सुधार करने के लिए क्या करते हैं कि इस स्टील में जो लोहा होता है उसमें कुछ अन्य मटेरियल मिला करके हम उसकी प्रॉपर्टीज को हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, देखा जाए सामान्यतः अगर तो जो लोहा होता है वो एक पिग आयरन के रूप में प्राप्त होता है। पिग आयरन का मतलब क्या होता है? कच्चा लोहा। जो लोहा होता है वो किस फॉर्म में मिलता है हमें? पिग आयरन के रूप में होता है, इसे कच्चा लोहा बोलते हैं। इसे कच्चा लोहा बोलते हैं, पिग आयरन। अब हम करते क्या है कि इसी पिग आयरन को, इसी पिग आयरन में कुछ अन्य मटेरियल्स मिला करके उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं? उसमें सुधार लाते हैं। ये कितने टाइप का होता है? जब हम इसको जो है इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं तो कितने टाइप का स्टील होता है? पहला होता है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, इसे हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 2-4% तक पाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है कितना पाया जाता है? 2-4% तक पाया जाता है। ठीक है, इस कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। हम कह सकते हैं कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कैसा होता है? लेस, यानी कम होता है, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? तनन सामर्थ्य। यानी कह सकते हैं कि इसकी तनन सामर्थ्य कम होता है और इसकी संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? संपीड़न सामर्थ्य। तो हमें यहाँ से तीन बातें मिल गई। कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 2-4% तक होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है।
वैसे अगर पिग आयरन की ही बात किया जाए, पूरे लोहे की बात किया जाए, तो इसमें 4% तक ही जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और इस कार्बन के आधार पर जो है इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रॉट आयरन की, रॉट आयरन की इसे बोलते हैं पिटवा लोहा, रॉट आयरन। ठीक है, ये क्या होता है रॉट आयरन। अगर देखा जाए तो लोहे का जो सबसे जो प्योर आयरन होता है, लोहे का जो शुद्धतम रूप है, वो होता है रॉट आयरन की, क्योंकि इसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा सिर्फ 0.15% तक ही पाई जाती है। इसमें जो कार्बन होता है कितना होता है, अप टू 0.15% तक ही पाया जाता है। तो आपको यहाँ से क्या मालूम चला, एक तो ये कि यह प्योर आयरन होता है, इसमें इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा कम होती है, कितना होता है केवल 0.15% तक ही होता है। ठीक है, यह डक्टाइल होता है और शॉक प्रूफ होता है। हम कह सकते हैं क्या होता है ये, एक तो डक्टाइल होता है, डक्टाइल मतलब इसकी यह तन्य होता है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है तन्य। ठीक है, और क्या होता है शॉक प्रूफ होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अघात वर्धनीय। ठीक है, हम लोग आगे कुछ प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सब बताएंगे डक्टिलिटी क्या होती है, शॉक प्रूफ क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे बाद में। ठीक है, तो रॉट आयरन क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% तक पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है कौन सी होती है, एक तो डक्टिलिटी होती है, तन्यता इसमें होता है, दूसरा शॉक प्रूफ होता है यानी अघात वर्धनीय होता है। ठीक है, और यह प्योर लाइम होता, प्योर आयरन होता है, मतलब इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद स्टील, स्टील माने इस्पात। स्टील की अगर बात किया जाए तो स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से लेकर के 1.5% तक पाई जाती है कार्बन की मात्रा। इसमें कार्बन कितना होता है 0.15% से लेकर के 1.5% तक पाई जाती है। ठीक है, इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी ज़्यादा लचीलापन होता है, इसकी में डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, यह शॉक प्रूफ भी होता है। तो हम कह सकते हैं डक्टिलिटी होता है इसमें, शॉक प्रूफ होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब तन्यता, अघात वर्धनी और लचीलापन होता है, ये इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर बात किया जाए तो। यह स्टील 3 प्रकार की होती है, ये स्टील कितना होता है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील इसे हिंदी में बोलते हैं मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील को क्या बोलते हैं मृदु इस्पात। ठीक है, माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा जो होती है 0.15 से, इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से लेके 0.30% तक होती है। माइल्ड स्टील में 0.15% से लेके 0.30% तक होती है। ठीक है, अगर केवल स्टील की बात किया जाए तो माइल्ड स्टील ही एक ऐसा स्टील है जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, और इसी वजह से
इसको किसी भी शेप या साइज में हम क्या करते हैं, उसे रोल्ड कर सकते हैं, उसे हम वेल्डित करके बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी, इसलिए आजकल इसका ज़्यादातर यूज भी किया जाता है। इस माइल्ड स्टील का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है कहाँ पर, स्ट्रक्चरल स्टील में ज़्यादातर आजकल इसका यूज किया जाने लगा है, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो होता क्या होता है, इसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। डक्टिलिटी होने के वजह से ही क्या होता है, ये इसे डिफरेंट सेक्शन में रोल्ड किया जा सकता है। हम तो कह सकते हैं इसकी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसमें डक्टिलिटी, ठीक है, यह तन्यता इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया माइल्ड स्टील। उसके बाद होता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन इस्पात, इसमें अगर कार्बन के परसेंटेज की बात किया जाए तो 0.30 से लेके 0.60% तक पाई जाती है। 0.30% से लेके 0.60% तक पाई जाती है। आप लोग एक ध्यान रखना, इसमें इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और कार्बन की जो अमाउंट है परसेंटेज, उसको याद रख लेंगे, ठीक है। हालांकि इसका काफ़ी डिटेल है बस, बट यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको जितना आवश्यक है बस उतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इनमें ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे तो कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इनके डिटेल में अगर हम जाएंगे तो एक एक लेक्चर इसमें लग जाएगा आपका। बट इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखा जाए तो इस टॉपिक में हमें बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता अभी फ़िलहाल में नहीं है, ठीक है। इस मीडियम कार्बन स्टील की अगर बात किया जाए, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं बॉयलर प्लेट जो बनाई जाती है, बॉयलर प्लेट में करते हैं, जो रेल बनाई जाती है, रेल्स जो बनाई जाती है उसमें करते हैं, जो टायर्स बनाई जाती है उसमें करते हैं, हैमर्स में करते हैं, ठीक है, इसका मीडियम कार्बन स्टील का, ठीक है। तीसरा, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन इस्पात, इसमें अगर बात किया जाए इसके कार्बन की अमाउंट की, तो कार्बन की मात्रा इसमें 0.60% से लेकर के 1.5% तक पाई जाती है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, स्लैग हैमर्स में करते हैं, स्प्रिंग जो बनाई जाती है स्प्रिंग में करते हैं, चीजल, चीजल जो बनाया जाता है उसमें करते हैं, वुड वर्किंग टूल्स कोई भी ले लीजिए उसमें, उन सब चीज़ों में हाई कार्बन स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका टाइप्स ऑफ स्टील की, ठीक है, यानी पिग आयरन को कुछ और मटेरियल मिला करके उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो हम सुधार करते हैं उसके आधार पे जो है इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील आयरन, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टीज की, जैसे इसके इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या पाया जाता है, कौन कौन सा होता है, और इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील,
इस्पात के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। नंबर पहला पॉइंट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व। आप लोग याद रखेंगे, एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं आजकल। 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी डेंसिटी होती है। बाद में आप यूनिट किसी में भी चेंज कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब में कर लीजिए या किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कर लीजिए, जिसमें आपकी इच्छा उसमें कर लीजिए। बट एक चीज़ आप याद रखिए, उसके बाद जिसमें भी आवश्यकता हो कन्वर्ट कर लेना। 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इट्स डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, इसकी जो स्टील की डेंसिटी होती कितनी होती है, 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार गुणांक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, ये अक्सर आजकल जेई वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब आप याद रखेंगे। 12×10⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील। इसके यंग्स मॉडुलस की बात करें, अगर हम यंग्स मॉडुलस, यंग मापांक, 2×10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 2×10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, अगर हम इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता मापांक, ×10⁵ से लेकर के 0.98×10⁵, 0.84×10⁵ से लेकर के 0.98×10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो ये है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। इस्पात के रासायनिक गुण, ठीक है। अगर केमिकल की बात करें तो इसमें कार्बन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम इसमें अगर कॉपर की, कार्बन की बात करते हैं, सबसे पहले कार्बन की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी
सेकंड नंबर क्या है? मैग्नीज। कार्बन की बात अगर हम करें तो 0.02%, 0.02% क्या पाया जाता है इसमें? कार्बन। मैग्नीज की बात करें तो 0.05% तक इसमें मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है। सल्फर और फास्फोरस की मात्रा दोनों बराबर होती है, सल्फर और फास्फोरस दोनों की मात्रा बराबर होती है। 0.005%, 0.005% तक SP यानी सल्फर और फास्फोरस। याद रखेंगे दोनों का अमाउंट क्या होता है, दोनों में सेम। ठीक है, सिलिकॉन और कॉपर दोनों की मात्रा बराबर होती है, सिलिकॉन और कॉपर, सिलिकॉन और कॉपर। याद करने के तरीके हैं ये, इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 0.03% दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, देखिए जब स्टील पे कोई लोड लगेगा तो वहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेस भी जनरेट होगा। ठीक है, कंप्रेसिव लोड लगेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, सियर लोड लगेगा तो शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, मूवमेंट होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, यानी बेंडिंग होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो इसके हम स्ट्रेस को समझ लेते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील, या केवल कह सकते हैं स्ट्रेस इन स्टील, इस्पात में प्रतिबल। ठीक है, एक्सियल टेंशन, आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियल टेंशन, अक्षीय तनन स्ट्रेस, अक्षीय तनन 0.6 FY होता है। कितना होता है? 0.6 FY। FY क्या है? जो स्टील होता है उसका ग्रेड होता है, जैसे आयरन है उसका ग्रेड Fe 250 होता है, Fe 250, Fe 300। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो FY क्या होता है? उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है, जैसे मान लीजिए अगर Fe 250 ग्रेड का यूज किया गया है तो FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 N/mm². ठीक है, इसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी तो बस आप इतना याद रखेंगे कि एक्सियल टेंशन स्ट्रेस जो होता है कितना होता है? 0.6 FY होता है। एक्सियल कंप्रेशन की बात करेंगे तो इसका अभी कोई फॉर्मूला, ऐसा छोटा सा फॉर्मूला नहीं है कंप्रेशन की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक अलग से टेबल बनाया गया है। इसके लिए ये अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो होता है, अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो अलग अलग होता रहता है। स्लेंडरनेस रेशियो के वैल्यू पे एक्सियल टेंशन स्ट्रेस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो इसको यहाँ पे हम कोई छोटा सा फॉर्मूला आपको नहीं बताएंगे, इसका एक पूरा चैप्टर है, जब वहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे कंप्रेसिव मेंबर में तब आप वहाँ पर एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस वहाँ निकालना आप सीख जाएंगे। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस की बात किया जाए अगर, बेंडिंग स्ट्रेस नमन प्रतिबल
0.66 fy, ठीक है। शियर स्ट्रेस की बात किया जाए, अगर शियर स्ट्रेस की बात किया जाए कर्तन प्रतिबल की, तो इसमें दो होता है, एक होता है आपका मैक्सिमम और दूसरा होता है एवरेज। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है एंड एवरेज कितना होता है? 0.45 fy होता है मैक्सिमम, और एवरेज में 0.40 fy, ठीक है। एंड लास्ट बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस की बात की जाए इसमें 0.75 fy, इसे हिंदी में बोलते हैं धारण प्रतिबल। fy की वैल्यू देखो आपको पता रहेगा, बस वैल्यू रख देंगे और ये स्ट्रेस आपका निकलता हुआ चला जाएगा। fy क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस है ये आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस, या कह सकते हैं टोटल जो अल्टीमेट, मतलब टोटल जो स्ट्रेंथ होता है स्टील का आपका। मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये ग्रेड में होता है, fy की वैल्यू 250 भी हो सकता है आपका, ठीक है। इनके स्टील के जो ग्रेड है, ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है इसे अलग अलग वो किया गया है। तो fy की वैल्यू आपको पता रहेगा और यहाँ पर वैल्यू fy की रख देंगे और ये स्ट्रेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचता रहेगा। फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।